हेलो एस्पेंस, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। और आज मेरे साथ हैं राहुल शर्मा, जिन्होंने एससीएस एग्जाम 2023 में अपना रैंक सिक्योर किया है। रैंक इनका है 25। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या जो जर्नी रही है एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, वो किस टाइप से रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरे अभिमन्यु टीम की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इनके सिलेक्शन के थैंक लिए। यू। एंड वेलकम राहुल, आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ मैं। और आपने टाइम निकाल के दिया अपने बिजी शेड्यूल में भी, तो उसके लिए थैंक यू एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होल अभिमन्यु टीम फॉर हेल्पिंग मी इन प्रिपरेशन, एस्पेशली बंसल सर जिन्होंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसमें काफी इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जो कि मैं एक्चुअली मैं यूज कर पाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। राहुल, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि जैसे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको रिजल्ट पता चला था, फाइनल रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था कि नोटिफिकेशन में टोटल 100 सीट्स थी, ठीक है। उसके बाद और जो मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया, इन्होंने 61 कैंडिडेट्स को बुलाया था, तो ये तो पक्का था कि हाँ सिलेक्शन हो गया है अब, लेकिन रैंक क्या आने वाला है। तो जब आपने फाइनल रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका, और आपकी जो फैमिली का रिएक्शन, जो आप जब आपने फर्स्ट टाइम जिनको बताया उनका रिएक्शन क्या था? सर मैं एक्चुअली हमारा जो लास्ट डे था इंटरव्यूज का उस दिन फिजिकल था फॉर जी डीएसपी पोस्ट, जी और उसके जस्ट विद इन 1 आवर जब वो कंक्लूड हुआ तो रिजल्ट आ गया था। और मैं उस टाइम पंचकुला में ही था जहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे, एंड जी उसी टाइम जब पीडीएफ देखा, इट वाज क्वाइट क्वाइट ग्रेट मोमेंट। काफ़ी खुशी की चीज़ थी, मेरे ब्रदर मेरे साथ थे एंड मैंने फैमिली को इन्फॉर्म किया और वो सब काफ़ी खुश थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप काफ़ी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ पूरी फैमिली फ्रेंड्स बिल्कुल सब आपके साथ उस संघर्ष में होते हैं, तो वो काफ़ी खुशी का मोमेंट था उन सबके लिए। राहुल, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने बेसिक एजुकेशन कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही ली थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीट किया, एंड 2020 में कंप्लीशन के बाद ग्रेजुएशन के मैं सीधा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए लग गया था। ऑल्दो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कॉरपोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए, बट मेरा बेसिक एम यही था कि आई हैव टू सर्व द पब्लिक एंड सोसाइटी, तो उस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को परस्यू किया। एंड आई एम ग्लैड कि काफ़ी हार्ड वर्क के बाद और सबके सपोर्ट के बाद आई हैव अचीव दिस थिंग। राहुल, ये बताइए कि सबसे पहले तो कि क्या आप मतलब एससीएस के सिलेक्शन, ये पहला आपका, सबसे पहले तो आपका ये फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट यस सिलेक्शन सर, है। यस सर। और इसके साथ साथ जैसे एससीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो इसके साथ साथ कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर बेसिकली मैं यूपीएससी की वजह से सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आया था जी एंड उसके दौरान ही एचसीएस, क्योंकि एक बहुत ही रेप्यूटेड एंड अपनी स्टेट का एक सबसे बड़ा एग्जाम है, जी तो उसकी प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। एंड यूपीएससी के लिए मैं प्रीलिम्स हो गया था एंड आफ्टर दैट आई गिव मेंस, और उसी के दौरान एचसीएस का भी मेंस दे रहा था, तो ये दोनों पैरेलल चल रही थी एंड प्रिपरेशन दोनों की ऑलमोस्ट 90% इक्वलेंट है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। तो इस बार आपने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है, फिर यस सर, कैसा रहा वो, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की भी यस प्रिपरेशन कर रहे हैं, एससीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस टाइप से रहा है इस बार आपका जो एग्जाम हुआ है उससे? सर। यूपीएससी के जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने आप में एक गाइड हैं, तो उसके अंदर बेसिक टास्क ये होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जीएस के अंदर नॉलेज स्पेस ऑलमोस्ट सबके पास बराबर ही होता है, जो भी प्रीलिम्स क्लियर करके आते हैं दे हैव इक्वल नॉलेज ऑलमोस्ट, तो उसके अंदर यह है कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो उस तरीके से मेरा मेरे हिसाब से अच्छा गया है कि कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एसे उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था यूपीएससी का ही, उसमें मेरा मेंस में एक मिस्टेक हो गई थी हेडिंग में, तो उस वजह से मेरा जो एसे का एग्जाम था उसमें मार्क्स कम रह गए थे। इस बार ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हुई एंड ऑप्शनल ऑल्सो वेंट रियली गुड। और यूपीएससी ने इस बार थोड़ा, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो उसमें थोड़ी इनोवेशन लाने की कोशिश की, और हमने भी इनोवेटिव आंसर लिखने की कोशिश की, तो होपफुली इट विल बी गुड एंड चलिए रिजल्ट विल बी ऑल्सो गुड। चलिए, हम लोग भी ऑप्ट करते हैं कि रिजल्ट अच्छा है।
और तो ये बताइए कि सबसे पहले तो कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे थे उससे कितना फायदा मिला आपको एससीएस के वो एग्जाम को क्रैक करने में, और जो भी चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो उसमें कितना फायदा मिला आपको? सर, एक तरीके से जो सिलेबस है उसमें अगर हम हरियाणा जीएस, हरियाणा रिलेटेड नॉलेज को हटा दें तो ऑलमोस्ट 100% सिलेबस इक्वल है। अच्छा, और इस थोड़ा सा मैं एक सवाल यहाँ से पुट करना चाहूंगा कि इक्वल है या फिर वहीं से है, इस पे बहुत डिफरेंस आ जाता है यस कि मान सर लो कि सिलेबस अगर यूपीएससी का हम लोग देखें तो इतना बड़ा है, ठीक है, यस सर और उसी के अंदर आपके समा जाता है एससीएस का सिलेबस, या फिर अलग है कि मतलब नहीं उतना फ्रेम अगर हम लोग कवर करें तो उतना को कवर करना पड़ेगा, तो वो चीजें मैं जानना चाहता हूँ। सर यूपीएससी का ऐसे प्रीलिम्स के लिए कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं, एवरीथिंग अंडर द सन इज इन सिलेबस। जी, तो एचसीएस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, एचसीएस काफी ज्यादा स्पेसिफिक चीजें पूछता है, एंड यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आया इस बार और आ भी रहा है, जो वो भी चेंजेस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर के अंदर। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो पर्सनल नॉलेज है उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, क्योंकि अब एलिमिनेशन और अदर ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। तो एंड हरियाणा के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल ही है, बट वहां पे आपको कुछ ज्यादा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। और हरियाणा का एग्जाम अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी से काफी डिफरेंट है या डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें काफी हद तक आपको कामनेस और एक एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखना पड़ता है उन 2 घंटों के दौरान। बट ओवरऑल इनका सिलेबस क्वाइट इक्वल है, और अगर कोई यूपीएससी कर रहा है स्पेसिफिक तैयारी, तो उसके लिए बेटर होगा कि वो एचसीएस जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज को भी परस्यू करें, ताकि और इफेक्टिवली अपनी तैयारी का यूटिलाइजेशन किया जा सके। राहुल, आप थोड़ा सा मुझे प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि जो एससीएस का प्रीलिम्स है उसके लिए क्या स्पेसिफिक तैयारी आपने किया था, या फिर क्या साथ साथ में चले थे, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? सर एचसीएस का प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स से जस्ट 1 वीक बिफोर था, संडे संडे बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स एचसीएस का प्रीलिम्स था। तो उसके लिए जस्ट स्पेसिफिकली कुछ अलग नहीं था, बट हरियाणा के बजट, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे एंड हरियाणा की जो बेसिक नॉलेज है उसको एक बार गो थ्रू करना जरूरी था। और क्योंकि इस बार हरियाणा के जो प्रीलिम्स का एग्जाम था एचसीएस का, उसमें अराउंड 9 to 10 questions हरियाणा की इकोनॉमी एंड अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड आए थे, जो कि एक बहुत ज्यादा डिटरमिनिंग फैक्टर थे कि सिलेक्शन किस हद तक हो पाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस था जो कि डिफरेंटली अप्लाई करना पड़ा एचसीएस की प्रिपरेशन में। और अगर हम लोग मेंस की बात करें, क्योंकि वहां पे आंसर राइटिंग का आंसर राइटिंग की बात आ जाती है, तो वहां पे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर सिमिलरली जब यूपीएससी का मेंस था वो हमारा 17th of September से था, एंड हरियाणा का जो एचसीएस का मेंस था वो 12th and 13th August को था, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली 12th को मेरा बर्थडे भी था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो थैंक बिलेटेड है, हैप्पी बर्थडे। यू थैंक यू। आई गेस इट वेंट वेल। तो उस दिन मतलब हरियाणा के अंदर हमारे पास 4 मेंस के एग्जाम होते हैं। वन इज जीएस 200 marks, वन इज हिंदी 100 marks, अनदर इज इंग्लिश ऑन द सेकेंड डे, एंड देन ऑप्शनल दैट टू इंक्लूड्स 200 marks। तो इनके अंदर ओवरऑल जो जीएस की स्ट्रेटजी है वो यूपीएससी से रिलेटेड ही है। अगर आप टेस्ट सीरीज एंड जो भी चीजें यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट यू कैन बिलीव कि वही चीज अप्लाई आप एचसीएस के लिए कर सकते हैं फॉर जीएस। हिंदी के रिगार्डिंग सर, मेंस में हिंदी का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी में जस्ट क्वालिफाइंग होता है। यू हैव टू गेट जस्ट 75 marks आउट ऑफ 300, एंड इट्स क्वालिफाइंग, वो मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बट हरियाणा के अंदर हिंदी एक सब्सटेंशियल रोल प्ले करती है सिलेक्शन के अंदर। तो हिंदी के लिए मैंने अलग से जो भी सिलेबस है हिंदी का, पास्ट ईयर पेपर्स को गो थ्रू करके उसमें ट्रांसलेशंस होती हैं, उसके अलावा जो हिंदी के गद्यांश पद्यांश होते हैं वो उसमें प्रैक्टिस करने होते हैं, एक ऐसे लिखना होता है हिंदी के अंदर, एंड व्याकरण, बेसिक व्याकरण जो कि 10th level तक की किसी भी व्याकरण की बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने उनको अलग से, जब यूपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी एंड एचसीएस की चल रही थी, तो मैं डेली ज्यादा नहीं 15 to 20 minutes हिंदी की व्याकरण और ये सब चीजें रिवाइज करने के लिए लगाता था, और उसका काफी असर भी पड़ा। एंड होपफुली अगर
हिंदी में कुछ ज्यादा और अच्छे मार्क्स हो जाते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो मेरे हिसाब से रैंक में कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। ये हम लोग ये मान के चले कि जैसे कि आपका एक फायदा मिल गया यहाँ से, कि जैसे प्रीलिम्स अगर हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स के टाइम में आपका एससीएस का प्रीलिम्स हुआ, क्वालिफाई आप यूपीएससी भी किया आपने, एससीएस भी किया, और बिल्कुल एससीएस में आपने फिर वहाँ पे यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब आपके जो सिलेक्शन बन मैंने जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग नहीं है हिंदी में का, लेकिन यस सर, रिवर्स यूपीएससी में क्वालिफाइंग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया कि है सर। हाँ आप सही बोल रहे हैं सर। ओके है ना, राइट कि यूपीएससी में तो क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे यूपीएससी में क्वालिफाइंग है और यहाँ पे आपके मार्क्स ऐड होते हैं, तो यस उसमें सर थोड़ा सा रह गया कि उसमें आप ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि दोनों का एक ही साथ चल रहा था आपके प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। तो जी उसने बट स्टिल वो एक इंग्लिश हिंदी को पढ़ना और उसको समझना वो अपने आप में कोई पता नहीं इस तरीके से देखे ना देखे अगर हिंदी को आप पढ़ रहे हैं तो एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। जी और आउट मतलब जो आपका डेली स्केड्यूल है जिसमें आपको जीएस वगैरह सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना होता है तो हिंदी आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है कि आप कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग पढ़ रहे हैं तो वो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद सर जो नेक्स्ट डे इंग्लिश का था वो एज यूजुअल जैसे बेसिक इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं 12th लेवल तक के उसको इक्वल माना जा सकता है। एंड उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशंस एसे राइटिंग बेसिक ग्रामर तो वो काफी हद तक अच्छा रहा। एंड देन ऑप्शनल का एग्जाम और ऑप्शनल का सिलेबस एचसीएस का यूपीएससी का ही सिलेबस एज इट इज है तो वो मैं जो ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसी को मैंने अप्लाई कर दिया एचसीएस के अंदर और काफी हैप्पी भी था मैं क्योंकि सर जो बेसिक नॉलेज थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और वो जस्ट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो चेक कर रहे थे एंड जी। वो उसमें काफी हद तक अच्छे से यूटिलाइज हुआ। और अगर हम लोग बात करें कि जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका था, आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपके यूपीएससी में भी था, यस सर तो उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रैटेजी थी इनकी, कि एससीएस की अलग से स्ट्रैटेजी बनाया है और इसकी अलग से स्ट्रैटेजी बनाई। सर स्ट्रेटजी एज सच अलग नहीं थी बट एचसीएस का क्योंकि 200 नंबर का एग्जाम है उसमें जो यूपीएससी के अंदर 500 नंबर का एग्जाम होता है उसमें पेपर वन एंड पेपर टू होता है तो जी उसमें एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफी हद तक वो वाइडर डोमेन है। बट एचसीएस के अंदर वो 200 मार्क्स एंड पेपर वन एंड पेपर टू दोनों इंक्लूडेड थे तो जी एक कंस्ट्रेन था दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी में हमारे पास इनोवेशन करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं बट एचसीएस के क्वेश्चन काफी हद तक बहुत अच्छे मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा और बहुत ही ऐसा एग्जाम था जो कि यूपीएससी के पैटर्न से भी बेटर माना जा सकता है तो इस वजह से काफी अच्छा एग्जाम वो मैं कंसिडर करता हूँ और प्रिपरेशन का भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल था। हालांकि उसके बाद मुझे ज्यादा टाइम मिला ऑप्शनल के टेस्ट यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करने के लिए बट जितने मैं टेस्ट करके गया था खुद से प्रीवियस एग्जाम्स से रिलेटेड वो काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाया। और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो एससीएस का इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इंटरव्यू की जो जैसे रिजल्ट आया और आपको बोल दिया गया कि 9th से आपका इंटरव्यू होगा, मतलब वो बहुत ही कम टाइम मिला था आपको इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए क्या फिर किस टाइप से प्रिपरेशन किया आपने? एक्चुअली सर 24th को हमारा यूपीएससी मेंस कंप्लीट हुआ जी एंड मेरा 26th को यूपी सिविल सर्विसेज का मेंस था 26th to 29th। तो मतलब एक मैं साथ सर आप 3 मेंस मतलब क्वालिफाई किया, आपने अभी तक कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए अभी इस साल? अभी मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी है। थैंक वाह वेरी गुड यू सर। तो उसके बाद मैं जस्ट ट्रेवल कर रहा था और मतलब जैसे ही मैं एक तो आपके यूपीएससी मेंस लिख रहे हो आप, यस दूसरा सर एससीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, यस सर इसके बाद आप यूपी मेंस भी लिखा है आपने, यस सर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी है, ठीक वो नवंबर में है सर 26th नवंबर से है। है, तो मतलब और इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा सर और अभी फिलहाल नहीं है और होपफुली ना हो आई गेस कि नहीं बिल्कुल, अभी होपली हो। हाँ होपफुली इंटरव्यूज के लिए मेरे पास बिल्कुल, अगर अवेलेबल यूपीएससी अपना क्वालिफाई हो जाता है तो चलो ठीक है, अब बस अच्छे यस सर रैंक होपफुली से, और होना तो चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सर जस्ट उस ट्रेवलिंग के दौरान मुझे रिजल्ट देखने को मिला एंड आई वाज शॉक माय सेल्फ क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जो 45% वाला क्राइटेरिया है और जो चेकिंग रही होगी वो मतलब इस वजह से 61 सिलेक्शंस होंगे जी बट स्टिल इट वाज क्वाइट मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज
मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल आई वाज गिविंग यूपी के मेंस के एग्जाम। वो जी 8 एग्जाम्स ऐसे गए जो कि और कॉन्फिडेंस के साथ गए। जी एंड इसके बाद सर जैसे ही मैं 30th को हरियाणा वापस आया एंड देन मैं चंडीगढ़ आपकी आप सबकी गाइडेंस के अंडर सीधा आया ताकि मुझे इंटरव्यू के लिए अच्छे से जो भी टाइम अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। अच्छा, एक ये जो मॉक इंटरव्यू गाइडेंस होती है उससे कितना बेनिफिट्स मिलता है लोगों को? सर मॉक इंटरव्यू गाइडेंस में हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता। कई बार हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, कई बार हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं बातचीत करने के अंदर। और इंटरव्यू कुछ नहीं है, वो आपकी एक कॉन्वर्सेशन है जिससे वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स को जानना चाहते हैं। इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का असर ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि मैं नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ बातचीत के दौरान बोल रहा था। जैसे कि जब बंसल सर इंटरव्यू ले रहे थे तो उस टाइम पे मेरी एक आम भाषा में हमारी जैसे बोलने का तरीका होता है, मैं उसमें यू नो वर्ड का प्रयोग कर रहा था, बिल्कुल लाइक बिल्कुल यू नो। तो सर ने उसमें काफी स्पेसिफिकली एंड कैटेगोरिकली मुझे बोला दिस इज क्वाइट अनप्रोफेशनल ऑल्दो इट इज नॉर्मल, बट ये हम लोग जब इंटरव्यू बातचीत के में करते हैं तो मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन आप इंटरव्यू जब दे रहे हो तो इस चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यस सर। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इफ यू डो नॉट नो समथिंग एंड इफ देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड योर सेल्फ की किसी इश्यू के ऊपर आपका एक अलग ओपिनियन है और वो गलत है जो कि जी हो भी सकता है, जी तो मैं नॉर्मली जैसे सॉरी सर ये एक तरीका होता है, बट सर ने मुझे टीच किया कि यू शुड से कि मैं गलत था बट आई एक्सेप्ट दैट एंड आई स्टैंड करेक्टेड। सो ऐसी चीजें जो कि इंटरव्यूअर को भी एक ऐसा एक्सपीरियंस दे कि ही इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मी, ही इज नॉट हैविंग एनी ईगो, ही इज अवेलेबल टू हैव चेंजेस, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी होना चाहिए। नो वन नो एडमिनिस्ट्रेटर इज परफेक्ट, वी ऑल लर्न ऑल द टाइम। तो बिल्कुल वो सब चीजें सीखने का मौका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मिला था। कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप इंटरव्यू देने गए वहां पे, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहो? सर मेरा इंटरव्यू आई गेस ऑलमोस्ट आधा घंटा चला था, उसके दौरान लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। 7 मेंबर्स थे पैनल के अंदर एंड वो काफी हर एस्पेक्ट से चीजें पूछी गई, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड सिचुएशनल केस स्टडीज से रिलेटेड कि इफ यू आर इन दिस पोजिशन व्हाट विल यू डू। और उसके अंदर एक थोड़ा हंसी मजाक का मोमेंट ये था कि एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ यू गिव यू 20 लाख रुपीज वेयर विल यू इन्वेस्ट। तो मैंने उसमें जो भी मेरे आइडियाज थे दैट आई विल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, आई विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स जिससे रिटर्न आए एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में वो हेल्पफुल हो। तो उन्होंने आउट ऑफ जस्ट एज अ जोक उन्होंने कहा कि व्हाई वोंट यू बाय अ कार बिकॉज पीपल इन हरियाणा ट्राई टू बाय कार व्हेन एवर दे हैव मनी। तो मैंने उसमें बिकॉज आई डोंट लाइक टू ड्राइव दैट मच, मैंने उन्हें कहा सर आई आई डोंट लाइक टू ड्राइव दैट मच। तो वो उन्होंने वन ऑफ द पैनल मेंबर्स बोले कि यू शुड नो हाउ टू ड्राइव, यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ ड्राइविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली गुड इन हरियाणा टू ड्राइव। तो वन ऑफ द पैनल मेंबर्स ने कहा कि ही इज एक्सपेक्टिंग सून टू गेट अ ड्राइवर सो व्हाई शुड ही ड्राइव। सो वो सही एक बात, हंसी मजाक का मोमेंट था एंड उससे काफी रिलैक्सेशन मिलती है कि आप अगर बिल्कुल 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 उनसे इंटरेक्ट अच्छे से कर रहे हैं तो दैट इज द रीजन कि वो भी आपसे इतने हैपनिंग वे में इंटरेक्ट करते हैं और मतलब बहुत ही एक अच्छा। अगर अगर देखा जाए तो एक हिसाब से उन्होंने आपको हिंट्स दे दिया हाँ सर काफी हद तक ये था मान रहा था बट ये था एक कॉन्वर्सेशन का एक अच्छा पैटर्न था और वो काफी काफी रिलैक्सिंग था। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे हमारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं जो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उनको अगर कोई सजेशन आप देना चाहो तो क्या दोगे? सर मेरा सजेशन जस्ट यही है, मैंने भी ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years प्रिपरेशन की है एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही होती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम सचमुच ये तैयारी करना चाह रहे हैं और हम एक सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप जस्ट एक प्लान्ड वे में तैयारी कीजिए, बहुत ही कम तैयारी कीजिए, आपके जो स्पेसिफिक नोट्स हैं या जो भी आपके सोर्सेज हैं उनको बार बार कीजिए एंड थोड़ा डिले हो सकता है और कई बार अगर आप बहुत अच्छे हैं या आपके मतलब पोटेंशियल है
तो बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट होगा जरूर। एंड ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैं इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ऐसे पॉइंट्स थे कि मैं गिव अप कर सकता था, बट अगर मैंने नहीं किया उसका, मुझे आज खुशी है कि मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया। मतलब पेशेंस बना के रखिए अपने अंदर, बस कॉन्फिडेंस रखिए एग्जैक्टली सर। जी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं बस आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल बच्चे बहुत सारे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं और वो ऑनलाइन भी लेते हैं ऑफलाइन भी लेते हैं, तो क्या बेटर होता है अगर बच्चे ऑफलाइन का कोचिंग अगर हम लोग मानने की ऑफलाइन करें या ऑफलाइन ऑनलाइन करें? सर मेरी जो प्रिपरेशन थी उसमें काफी हद तक रोल, आप जिस इंस्टीट्यूशंस जो यूट्यूब या अदर सोर्सेज पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं या आपके कोर्सेज के थ्रू होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल और बाहर रहने का इतना मेरा मन नहीं करता था, तो मैं घर पे ही मोस्टली तैयारी की थी। ऑल्दो मैं मेंस के लिए दिल्ली गया था मेंस प्रिपरेशन के लिए, बट मेरा ये मानना है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग को अप्लाई कर सकते हैं और आप रिलैक्स्ड वे में उससे प्रिपेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। और ये एक बेटर वे भी है, क्योंकि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में अपने पास रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो बट स्टिल अगर ऑफलाइन की आदत है तो बिल्कुल ऑफलाइन भी आप प्रेफर कीजिए। थैंक यू राहुल, आपने हमें टाइम दिया एक बहुत ही मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे ऐसी बातें हम लोग की जिन्होंने जिनको अगर अब बच्चे अच्छे से सुने और उन पे थोड़ा सा अमल करे तो वो मतलब वो भी पा सकते हैं अपने अचीवमेंट जो चाहते हैं, वो उनसे वो सीख सकते हैं, बहुत चीज़ सीखने को भी है यहाँ पे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, एंड बातें होती थैंक यू फॉर रहेंगी। थैंक गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। यू, ऑल द बेस्ट।